Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Dilli ka don. Naveed. Dilli ka don. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Good evening. How may I assist you? Good evening. This is Chandar. How can you assist me? सर, मैं जान सकती हूँ आप क्या जानना चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर, रूपाली बात कर रही हूँ, मैं किस तरह की सहायता कर सकती हूँ? रूपाली, मैं चंद्र बात कर रहा हूँ, आप मेरे मोबाइल बिल में सहायता कर सकती हैं? सर, मैं क्या जान सकती हूँ, आप इंटरनेट ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपका बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? मैं आपको बता सकता हूँ, इंटरनेट तो मैं पहले भी यूज कर रहा था, लेकिन ये अचानक से ज्यादा आ रहा है। सर, हो सकता है आपने इंटरनेशनल कॉल करी हो, इसलिए आपका मोबाइल बिल ज्यादा आ गया हो। मैडम, आपको बताना चाहूँगा, 2 महीने दिल्ली से कहीं बाहर ही नहीं गया, इसलिए मेरा बिल ज्यादा कैसे आ सकता है? सर, मैं जान सकती हूँ आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। मैडम, मैं जान सकता हूँ आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं। सर, क्योंकि हम ऐसे ही बात करते हैं। मैडम, किसने बोला है आपको ऐसे बात करने के लिए? रूपाली, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक सरप्राइज कॉल है। जॉनसन रूपाली, एंड आई एम द हेड ऑफ दिस कंपनी। रूपाली, मैं चाहता हूँ मेरा हर एजेंट तरीके से बात करे, जैसे नॉर्मल जिंदगी से बात करती है। सर, आई एम सॉरी। अगेन, आप वैसे ही बात कर रहे हैं, जरा नॉर्मल होकर बात करके देखिए। जरा मैं जो बोलूँगा, जैसे मान के चलिए मैं एजेंट हूँ, मैं किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ, तो मैं नॉर्मल उसको बताऊँगा कि आपका बिल ज़्यादा गया, जैसे नॉर्मल घर पर बोलता हूँ। देखिए ऐसे, सर मेरे ख्याल से आपने कॉल ज़्यादा करी होंगी, इस चक्कर में आपका ये बिल ज़्यादा आया। नाउ यू कैन ट्राई। सर, मेरे ख्याल से आपने कॉल ज्यादा करी होंगी, इस चक्कर में आपका बिल ज्यादा आया है। सॉरी सर। कम ऑन रूपाली, इस वक्त भूल जाइए कि आप किसी कस्टमर से बात कर रही हैं। एक बात बताइए, आर यू मैरिड? नहीं सर। आप बताइए, आप अपने करियर में क्या क्या करना चाहती हैं? सर, मैं तो बस भी यही चाहती हूँ कि फ्यूचर अच्छा हो, बस। नाउ, ये जो आपने बोला है रूपाली, कितनी अच्छी तरह बोला यार। कम ऑन, लेट्स ट्राई नाउ अगेन। मैं कस्टमर हूँ, आप मुझे बताइए जैसे मैं बता रहा हूँ। आप कहिए कि सर ऐसा है, हमारी एक नई स्कीम आई है जिसमें आपकी इनकमिंग जो है उसके रेट कम हो जाती हैं और आउटगोइंग के भी कम हो जाते हैं, अगर आप ये प्लान ले लेते हैं तो। सिंपल ट्राई। सर, क्या बोलना है एक बार दोबारा? मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बात करी कस्टमर से, सर हमारी एक नई स्कीम आई है, इसमें एक तो इनकमिंग के पैसे कम है, आउटगोइंग के भी कम है, तो सर मेरा ख्याल है आप ये स्कीम ले लीजिए, ये प्लान ले लीजिए। नाउ ट्राई। सर, हमारे पास नई स्कीम आई है जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों फ्री है, तो मेरे से I'm sorry, 4 साल हो गए ना, तो बोला नहीं जा रहा। रूपाली यार, बहुत प्यारी हो तुम। रूपाली, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा वक्त ले लिया, आई नो कि तुम इस तरह बात नहीं कर सकते। रूपाली, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और एक बार ट्राई करके देखो, मुझे मालूम है मैं दुनिया के कॉल सेंटर बदलना चाहता हूँ, और मुझे मालूम है कि नॉर्मल तरीके से हम क्यों ऐसे बोलते हैं यार, किसने कह दिया ये? रूपाली जरा कोशिश करिएगा, आप किसी कस्टमर को ये बता रही हैं, रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं आप, नवेद के साथ मुर्गा सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं। रहन दीजिए, आप बहुत प्यारी हैं यार, I'm sorry. दिल्ली का डॉन, दिल्ली का डॉन, नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दिल्ली का डॉन, नवेद. Dilli ka don. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello? Madam, very good evening. आप कौन सा न्यूज़पेपर आपके घर में लगा हुआ है? कौन बोल रहे हो? मैडम, मैं गगन बोल रहा हूँ, एक सर्वे कर रहे हैं, मैं आपके सिर्फ 50 सेकंड लेना चाहूँगा मैडम, इसमें हमारी स्कीम भी लगी। कहाँ से रहे आप? मैडम, मैं अपने ऑफिस से ही बोल रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा न्यूज़पेपर के बारे में आपसे जानकारी लेनी थी। क्या जानकारी चाहिए आपको? मैडम, मैं जान सकता हूँ आप कब से न्यूज़पेपर आपके घर पे लगा हुआ है? बहुत सालों से लगा हुआ है जी, बताइए। मैडम, मैं जान सकता हूँ इसमें आप न्यूज़पेपर दिन में कितनी बार आप यूज कर लेते हैं, एक बार या एक बार से ज्यादा? एक ही बार ही होता है जी यूज। मैडम, मैं जान सकता हूँ आप ही इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर, या घर में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं और भी इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर? सभी करते हैं। मैडम, मैं जान सकता हूँ ये सभी के लिए अलग अलग कॉपी आती है, सबकी अलग आती है, या एक ही कॉपी आती है सारे पढ़ते हैं? जी नहीं, एक ही कॉपी आती है जी सबके लिए। मैडम, मैं जान सकता हूँ आप कौन सा न्यूज़पेपर यूज करते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया। मैडम, मैं जान सकता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों करते हैं, हमारा न्यूज़पेपर क्यों नहीं यूज करते आप? आपसे पूछ रहे हैं, आप मुझे बता नहीं रहे आप। मैडम, मैं हमारा भी अपना न्यूज़पेपर है।
आप ये क्यों नहीं यूज करते हैं? नहीं, हमको टाइम्स ऑफ इंडिया यूज करना है, हम कितने सालों से टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। मैडम आपसे पूछ सकता हूँ आपने क्यों नहीं लगवा रखा? मेरे को तो टाइम्स ऑफ इंडिया ही ठीक लगता है, पर क्यों आप ऐसे? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आपने हमारा पेपर यूज किया नहीं है ना। हमारा पेपर अगर आप यूज करोगे आपको लगेगा ये वाला अच्छा है। नहीं भैया, वी आर वेरी हैप्पी विद टाइम्स ऑफ। नहीं नहीं, यू आर हैप्पी बट हमारा वाला पेपर ज्यादा अच्छा है मैडम। आपका पेपर कैसे अच्छा है? आप हमारे पेपर में दो समोसे रख के देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। दो समोसे रख के जब तले पे होते हैं ना बाहर निकालेगा वो, दो समोसे रख के ऐसे ऐसे बंद कर देना, पूरा तेल ना चूस ले, पैसे वापस। पूरी गारंटी देते हैं मैडम, मूंगफली खा रहे हैं अगर आप, मैं फैमिली में बैठ के, अगर आपने मान लिया आधा किलो मूंगफली खाई है, छिलके एक पेपर में जो फ्रंट पेज होता है ना, पूरे फ्रंट पेज में छिलके आते हैं मैडम। बच्चों को अगर लंच बॉक्स नहीं है बच्चों के पास स्कूल में ले जाने के लिए, रोटी में कम से कम 45 मिनट की गारंटी है, रोटी गर्म रहेगी। अभी बीच में स्कीम चली थी हमारी, हमने तीन समोसे भी कर दिए थे, मतलब अगर आप तीन समोसे रपेट दो इस पे तो तीन समोसे का पूरा तेल पी जाता है ये। मैडम नवेद बोल रहा हूँ मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्कुल सही पेपर पढ़ रही है, यही मैं पढ़ता हूँ और यही अच्छा है। हाँ वही पढ़ती रहिएगा। मुर्गा बना रहा था, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM, it's hot. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Dilli ka don, Dilli ka don, Naveed, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello. Sharma English speaking course. Yeah, this is Ramesh Sharma. Who's this? This is Gopal. Yes. Actually, my wife has a son. Yeah. And we have two daughters. Okay. And both are girls. Okay, okay. Our son is boy. Okay. I was talking to my wife. Yeah. She wants to also join the Sharmaji Institute. Good, very good. So, what is the... wo nahi hota hai? Time and fees you want to know? No. My wife has a very beautiful dream of their children's. Okay, yeah. Recently, my wife was ill. So, I am the only husband in the house. Okay, okay. So, can you tell me the procedure of the admission in Sharma Institute of Speaking? When you called me, I observed a lot about you. Okay. It matters, doesn't English course. We have a student and earlier they can't speak English. And then they joined our Sharma speaking course. Now they can. And good English speak they. So you come for class? Yeah, we will. No, not you will. You would come. I would. Yeah, you would come and take our class and... In your Sharma language speaking course, yeah. You also taught Hindi? Yeah, we learned Hindi. तो ये हिंदी में क्लासेस कैसे कैसे होती हैं? जैसे मेरा परिवार है सारी, मेरी वाइफ है, दो बच्चियां हैं और ये मेरा लड़का है, हम सभी सीखना चाहते थे हिंदी, तो इसमें आपके अलग स्पेशल क्लासेस हैं या इसमें ये होता है कि इसमें कुछ अलग से फॉर्म भरना पड़ता है? नहीं, हमारी क्लासेस होती हैं, हिंदी की भी क्लास होती हैं और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी आप सीख सकते हैं आराम से, और हमारी क्लास मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है, 11 से 6 चल रही है, आप यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। सर, व्हाट आई एम फीलिंग, अपनी वाली ठीक है, कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप। अब यार फोन काटते हैं, इनका स्ट्रीट बंद करा दे। Dilli ka don, Naveed, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update. Hello. जी. हाँ जी. मैं हॉस्पिटल के रिसेप्शन से बोल रहा हूँ सर. कहाँ से बोल रहे हैं? आप जी बोल रहे हो ना? हाँ हाँ बताइए. आपकी दीदी यहाँ पे अभी आई थी हॉस्पिटल. हाँ. रिसेप्शन से वो जब स्टेयर्स उतर रही थी उनका पैर फिसल गया और वो थोड़ा सा स्लिप हो गई, तो मुझे लग रहा है इनके हेयरलाइन फ्रैक्चर है. और वो अभी मैं तो यहाँ पे आया हूँ और वो वहाँ पे हैं दीदी. आप तकलीफ काफ़ी है उनको, तो मैंने कहा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ. नहीं एक मिनट, गिरी है वहाँ पे. हाँ आपकी दीदी हैं, वो रोते हुए बता रही थी कि भैया को फ़ोन कर दो, तो मैंने अपनी मोबाइल से किया है. उनका मोबाइल उनके पास है, उसमें भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, सिग्नल विग्नल जा रही है ना, वो भी गिर गया था. मैंने इसलिए नहीं किया फ़ोन के आप पैनिक करें, आप परेशान मत होना, लेकिन ये है कि आधा पौन घंटे से वो अभी चिल्ला भी रही है क्योंकि हेयरलाइन फ्रैक्चर मेरे को लग रहा है छोटा मोटा है उनके. तो दीदी है कहाँ पे अभी? अभी वो रिसेप्शन पे ही बैठी हुई है, डेढ़ घंटा पहले गिरी हूँ, ये रिसेप्शन पे बैठ के रो रही है बहुत. रिसेप्शन पे क्यों बिठा रखा है? तो अंदर लेके जाओ ना. मैं अंदर तो नहीं ले जा सकता सर उनको अभी. अरे क्या पागल आदमी, तो फोन क्यों कर रहा है फिर मुझे? तो अंदर एडमिट कराना मेरे भाई. सर रजिस्ट्रेशन के 1000 रुपए लेते हैं ना ये लोग. भाई बड़ा आदमी है तू. और कोई लोग होग नहीं है वहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तुम्हारा हॉस्पिटल का वहाँ पे? अभी तूने फोन किया, मैं आके साले 2500 रुपए दे दूंगा. अभी काम तो शुरू करो ना. नहीं सर मैं नहीं ले जा सकता वहाँ पे, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन लगते हैं ना सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे. पागल हो गया क्या बहन? तू 2500 ले लियो. मैं अभी तूने फोन किया, मैं पहुँचने में टाइम लगेगा ना, तो उनका काम तो शुरू करवा, मैं आ रहा हूँ. 2500 रुपए दे दोगे आप? 2500 रुपए मारोगे तुम्हारे मुंह पे साले? कंफर्म करने से पहले ही मारोगे आप? अभी क्या कंफर्म कि जो कॉल करी है मैंने ये जेन्युइन भी है या नहीं, जो आप 2500 रुपए फौरन देने के लिए बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे तू? आई एम सो सॉरी जी. आप सबसे पहले तो इस बात का इत्मीनान रखें कि आपकी दीदी गिरी नहीं है. और मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. अब ये क्यों बात कर रहा हूँ प्लीज मेरी इस बात को समझिएगा. मेरी दीदी ठीक है कि नहीं है? आपकी दीदी बिल्कुल ठीक है. क्यों फोन किया मुझे? जब मैंने फोन किया तो आपने कंफर्म नहीं किया कि ये 2500 रुपए जो ले रहा है ये इंसान ये जेन्युइन भी है या नहीं, लेकिन तकलीफ में थे आप और परेशानी में थे तो 2500 रुपए आप मेरे मुंह पे मार रहे थे. एक एनजीओ है, इन्होंने ये लिखा था परसों कि नेपाल में जो अर्थक्वेक आया है वहां के जो लोग परेशान हैं उनके लिए डोनेट करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करें. और आपने नीचे कमेंट में ये लिख दिया कि ये सब झूठ है, इस तरह के धंधे बंद करो, मुझे मालूम है सारे पैसे कहाँ जाते हैं. आपने कमेंट में ये तक भी लिख दिया ये मेरा नंबर है, मुझसे पैसे निकलवा सकते हो तो निकलवा के देखो. मुझे मालूम है कि ये की जिम्मेदारी नहीं है कि वो नेपाल के लोगों की मदद करे, क्योंकि एक इंसान है तो ये एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो नेपाल के लोगों की मदद करे जो लोग अर्थक्वेक में परेशान हैं, जो लोग अर्थक्वेक में खत्म हो गए हैं, जिनके परिवार बिछड़े हुए हैं, उनकी मदद करें. ये जरा सोचिए तो सही, आप तो दिल्ली में ही थे जब ये अर्थक्वेक आया है. जिस वक्त ये झटके लग रहे थे ना हमें, उस वक्त रूह कांप गई थी लोगों की कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ज्यादा हो गया तो क्या होगा. ये हम सबको मालूम है कि हम नेचर से कुदरत से लड़ नहीं सकते, ये किसी के हाथ में नहीं था अर्थक्वेक रोकना, लेकिन हम सबके हाथ में है उन लोगों की मदद करना, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों जो इस हादसे का शिकार हैं, जिनको मदद की जरूरत है. ये मैंने पता किया है नेपाल फोन करके, वहां पे बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप मलबे में दब गए हैं और मर गए हैं. आपको मालूम है वो बच्चे अपने माँ बाप तक को याद नहीं कर रहे क्योंकि भूख लग रही है उनको, क्योंकि खाना खाना है उनको, क्योंकि चोट लगी हुई है उनको. मुझे मालूम है कि आपने कोई बुरा काम नहीं किया, ये इंसान की मर्जी होती है कि वो किसी की मदद करे या ना करे, लेकिन कम से कम एक ऐसा एनजीओ जो कि ऑथेंटिक है, जो कि नेक काम कर रहे हैं, अगर वो लिखते हैं कि नेपाल के लोगों की मदद करें, तो अगर हम उनको बढ़ावा भी नहीं दे रहे तो कम से कम ये तो ना करें कि हम ये लिख दें कि झूठ बोलना बंद करो और अपने आप पैसे कमाने बंद करो. एक बात सोचिए जरा, जब अर्थक्वेक आता है या ऐसी कोई परेशानी होती है तो मेरे हिसाब से सबसे करीबी जो है एक दूसरे की मदद करने के लिए वो पड़ोसी होता है. आपके फ्लैट के बराबर वाले भाग के आ जाते हैं कि आप ठीक ठाक हैं या नहीं, तो ये भी पड़ोसी है नेपाल. और जरूरी नहीं है कि पड़ोसी हो, दुनिया में कहीं भी इंसान अगर परेशान हो तो हमें मालूम है कि हमें मदद करनी चाहिए और आप करते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा गलत किया कि इस तरह का कमेंट लिख दिया कि आप पैसे कमाना बंद करिए. हो सकता है दुनिया में इस तरह के लोग हों जो इनके नामों पर पैसा कमाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, तो उनके आमाल उनके साथ हैं और उनका जवाब इस चीज़ का देना होगा. लेकिन हम ये सोचने लगे कि सारे ही झूठे हैं और कुछ करें ना, तो अर्थक्वेक की कोई खास दुश्मनी नहीं थी नेपाल से. वो दिल्ली में भी आ सकता है, हिंदुस्तान में भी आ सकता है, दुनिया में किसी भी जगह आ सकता है, फिर हम ऐसे ही मोहताज होंगे खुदा न खास्ता मदद के. और अगर वो इसी तरह इग्नोर कर दें तो बहुत तकलीफ होगी हमें और हमारे बच्चों को.
जरा इस बात को सोचिए कि एक हेयरलाइन फ्रैक्चर से कितनी तकलीफ होती होगी किसी को, जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए। अर्थक्वेक में किसी का दब जाना और मर जाना, इससे ज्यादा तकलीफ की बात हो नहीं सकती उनके लिए जिनके घर वाले बच गए हैं और वो देख रहे हैं कि लोग कैसे मर रहे हैं। I'm sorry, नावेद। अब मैं आपसे मदद चाहता हूं। आप डोनेशन की शुरुआत ऐसे करें कि इस चीज को इतना फॉरवर्ड करिए कि किसी के जहन में अगर नहीं भी है उनकी मदद करना, डोनेट करना, तो वो मजबूर हो जाए और उसको एहसास हो कि लोग परेशान हैं। प्लीज इसको शेयर करिएगा। खुश रहिए, हिफाजत से रहिए और दुआ करिए इस वक्त नेपाल के लोगों के लिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ हैं आप। बहुत दिन से सोच रहा हूँ यार, जरा दिल्ली से बाहर हो जाएं। दुबई फोन लगाओ, दुबई। हेलो सलीम, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है भाई? सलीम, मैं जरनिगार का भाई, जिसके लिए आपने रिश्ते के लिए फोटो भेजे दुबई से। आप दुबई में अभी? अच्छा, सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तो हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अभी कैसे चल रहा है दुबई में? दुबई माशाल्लाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब वहाँ सब खैरियत है, सब ठीक ठाक है। जरनिगार से कल बात हो रही थी, मैंने कहा भाई हम भी बात करें सलीम से। सलीम भाई, मैं सोच रहा था रिश्ता पक्का होने से पहले मैं आपसे एक बार मिल लूं। जरनिगार ने भी कहा था कि भाई आप भी मिल लो उनसे। कोई मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह मैं अक्टूबर में आऊंगा तो जरूर मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। नहीं, अक्टूबर तो बहुत दूर है, शाम में मिलते हैं ना। शाम में? कब मिलते हैं? शाम में। आज रात में मिले? रात में कैसे मिलते हैं? मैं दुबई आ गया ना डेरा, अभी डेरा से बात करता हूँ मैं। डेरा बोले तो ये क्या नाम? दुबई वाला डेरा। नहीं तो नंबर कौन सा है ये? रोमिंग पे सलीम भाई, रोमिंग पे हूँ मैं। तो जरनिगार ने बोला भाई आप देख के आइए, सलीम भाई से मिल के आइए, देखिए क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। अच्छे होते ना, मैं आपको वही मिलता ना, एयरपोर्ट मिलता ना मैं। नहीं, मैं सुबह आ गया ना, मैं सुबह आ गया सलीम भाई। मैंने सोचा आपको क्या परेशान करूँगा, आपको सरप्राइज दूंगा मैं। नहीं सरप्राइज तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं, लेकिन क्या रहा, अभी कैसे मिल सकता हूँ मैं? अभी मैं आ रहा हूँ ना यहाँ से, टैक्सी मैंने बोला, वो एक पठान मेरे को बोला था यहाँ से, मैं पठान से मिला था मैंने, उन्होंने बोला किधर कंस्ट्रक्शन, उन्होंने कहा यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर है। तो मैं काम करता हूँ सलीम भाई, मैं टैक्सी पकड़ता इधर से टैक्सी पकड़ के फिर मैं आता आपके पास उधर। आप अभी इधर साइड पे हो? मैंने बात करा है अभी उससे पठान से, वो कह रहा है टैक्सी लेके जाऊंगा, 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर में 3-4 घंटे लग जाएंगे, इतना मेरा छुट्टी हो जाएगा, मैं अपने घर चला जाऊंगा। आप यहाँ के साइड पे क्या करोगे सलीम भाई? 2 किलोमीटर में 3-4 घंटे किधर लगता है? यही तो सारा मुश्किल है। अभी आप पहली बार आए ना दुबई? पहली बार आया था, मैं भी सोचता था यही। देखो इधर का एक दरम उधर कितना पड़ता है? 17 रुपए चल रहा है। पेट्रोल इधर सस्ता है पता है? हाँ पेट्रोल सस्ता है। क्यों सस्ता है पता है? इधर का 1 किलोमीटर उधर का 17 किलोमीटर है, इसीलिए सस्ता पेट्रोल है। अब समझे आप? तो 34-35 किलोमीटर आप 2 घंटे में पहुंचाएगा। इधर ट्रैफिक देखा कितना है? मैं कह रहा हूँ ना, आप उधर रखो, मैं आएगा। अभी आप बुर्ज खलीफा देखो, ठीक है, शेख जायद रोड देखो उधर। सलीम भाई, जरनिगार ने हमको बोला फिर मेरे को वापस जाने का है, तो मैं अभी आ रहा है आपके पास। मेरे को पता क्या जानता है क्या नहीं जानता, तुम्हें पता है? तुम्हें भी यहाँ खड़ा है, दुबई में खड़ा है, मैं तो मैं अभी मिलने आ रहा है ना आपके पास। अभी हम नहीं मिल सकते ना, अभी हम जा रहे हैं जुमे की नमाज पढ़ने। लेकिन सलीम भाई आज तो थर्सडे है। ये क्या दुबई है, इंडिया है, हफ्ते में 2 बार होता है। फिर हम आएगा, मिलेगा तुमसे, मिलेगा सलीम भाई। सलीम भाई देखिए, ये दुबई का रोड मानना पड़ेगा मेरे को, टैक्सी भी मांगना पड़ेगा मेरे को। तो देखिए ना, बातें करते करते मेरे सामने दिख भी रहा है पर कंस्ट्रक्शन, मतलब ये 6 मिनट में पहुंचाया इसने 2 किलोमीटर। ये टैक्सी में बात के, ये बैठ के बात कर रहा है? हम आगे आ गए, कंस्ट्रक्शन देख रहा है हमको बोर्ड। अंदर आ जाए, अंदर ही आप। यहाँ पर कई है, कौन सा में? आप कौन से वाला में है? जिसमें आप गया मैं उसमें नहीं है। नहीं, आप नाम बोलो ना कंपनी का, कौन सा है? कंस्ट्रक्शन। हाँ, इसी का बोर्ड लगा हुआ है सामने। मैं अंदर आएगा, गार्ड से बोलेगा मेरे को आप गार्ड से बोलेगा आप... मैं गार्ड से बोलेगा सलीम भाई, इंजीनियर इधर ही मिलेगा। आपने पीला टी शर्ट पहना है? नहीं, पीला टी शर्ट तो नहीं पहना है। नहीं तो फिर कौन सा है तू? मैं इधर, आप उसको छोड़ो ना, मैं आप इसको छोड़ो, मैं अभी गार्ड से पूछता है, सलीम भाई इंजीनियर से मिलने देगा, मैं अंदर आ रहा है। देखो हम जो ईमानदार आदमी है, अब हम तुमसे दिल की बात कर रहे हैं, तुम्हारा मर्जी है, तुम जरनिगार को बताओ ना बताओ, तो हम एक बार बताते हैं। अभी तुम गेट पर आएगा, पूछेगा सलीम इंजीनियर किधर है, सलीम भाई इंजीनियर किधर है, वो कह देगा सलीम इंजीनियर इधर कोई नहीं है। क्यों सलीम भाई, क्यों बोलेगा? क्योंकि हम इधर जनरेटर ऑपरेटर हैं।
ओके लेकिन आपने फोटो भेजा इंजीनियर आप 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 कोट पहने हुए नहीं ऐसे इधर सब करता है दूसरे ठीक है थोड़ी देर के लिए इंजीनियर बन के हेलमेट पहन के फोटो खिंचाता भेज देता है इंडिया पाकिस्तान भेजता है सब इधर ऐसे ही करता है। ठीक है मैं गार्ड से बोलता हूँ कि सलीम जनरेटर ऑपरेटर भाई से मिलना है वो अंदर आने देगा मैं अंदर आ रहा हूँ अभी ठीक है अभी मैं तुमको फोन करता हूँ जब मिलेगा अभी फोन करेंगे कब दो सेकंड में करता है अभी नहीं मैं आपको दो सेकंड में करूँ आप करो मैं करो बराबर है आप करो الهاتف المتحرك الذي طلبته مغلق يرجى الاتصال لاحقا شكرا The mobile phone you have dialed has been switched off. Please track your number. Thank you. الهاتف المتحرك अबे झूठे 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 रिश्ते لاحقا شكرا Delhi got on Delhi got on Naveed only on Radio Mirchi 98.3 FM It's hot.